दोस्तों पूरे साल हर महीने अलग अलग प्राइस सेगमेंट में बेस्ट फोन्स की लिस्ट लेकर आते रहते हैं। काफी लोगों का सवाल ये रहता है कि भाई टैबलेट्स के भी वीडियोस लेकर आया करो, लेकिन भाई टैबलेट इतने फ्रिक्वेंटली रिलीज नहीं होते जितना स्मार्टफोन्स होते हैं। जितने ही टैबलेट्स इस साल भर में रिलीज हुए हैं उन सब में से जो बेस्ट चुनिंदा टैबलेट्स है वो कौन से हैं, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहले टैबलेट से शुरू करते हैं, वो है बजट रेंज में आता है करीब 10 से 15,000 रुपए के बीच में। अगर आप देख रहे हैं तो ये टैबलेट आपको जरूर पसंद आएगा और हमें भी काफी बढ़िया लगा। ये है Xiaomi की तरफ से Redmi Pad। इसका वाईफाई वेरिएंट आपको मिल जाएगा करीब 15-16,000 रुपए के आसपास, जिसमें मिलेगा आपको 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। Helio G99 का प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिल जाएगा अप टू 1TB। बैक एंड फ्रंट दोनों ही साइड आपको 8MP का कैमरा मिल जाता है, लेकिन फ्लैश नहीं मिलेगा। 10.61 इंच का 2K 90Hz का 10-bit LCD डिस्प्ले मिल जाता है। क्वाड कोर स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा विद डॉल्बी एटमोस सर्टिफिकेशन। स्टाइलस भी सपोर्ट करता है। साथ ही 8000mAh की बैटरी मिलती है विद 18W ऑफ इनबॉक्स चार्जर। नाउ इस प्राइस के हिसाब से Redmi Pad आपको बहुत चीजें बढ़िया देता है। सबसे पहली चीज, आपको इसका डिजाइन काफी बेहतरीन लगेगा। बॉक्सी फॉर्म फैक्टर मिल जाता है, लेकिन काफी कंफर्टेबल है पकड़ने में भी। उस टैबलेट में अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं तो आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर आपको क्वाड स्टीरियो सेटअप मिल जाता है और क्वाड स्पीकर के साथ जो आउटपुट है वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। रही बात इसमें स्टाइलस वगैरह के सपोर्ट की, तो यहाँ पर इस टैबलेट में आपको स्टाइलस का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन पाम रिजेक्शन ऐसा सच नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप प्रिसाइस ड्रॉइंग वगैरह करना चाहते हैं तो वहां पर पाम रिजेक्शन ना होने के चलते आपको उतनी बढ़िया जो है ड्रॉइंग कैपेबिलिटीज टैबलेट में नहीं मिलती है। बाकी इसके अलावा ये टैबलेट आपको बैटरी बैकअप के हिसाब से भी काफी बढ़िया लगेगा। आराम से ये एक दिन चल जाता है, अगर आप थोड़ा हैवी इस्तेमाल भी करते हैं तो, वरना ये आराम से 2 दिन तक भी चल जाएगा। यहाँ पर बस एक ही कॉन है, इसमें जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको काफी स्लो लगेगा। जो 18W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है वो लगभग इसको चार्ज करने के लिए 2 से 3 घंटे के आसपास भी ले लेता है। लेकिन इसी प्राइस के आसपास अगर आपको सिम कार्ड वाला टैबलेट चाहिए जो कि बढ़िया हो, तो फिकर नॉट, एक टैबलेट आपके लिए हम चुन कर लाए हैं। ये है मोटोरोला की तरफ से मोटो G70। ये करीब 16,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, जिसमें मिलेगा 4GB रैम विद 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पर आप सिम कार्ड लगा सकते हैं और एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी मिल जाता है अप टू 1TB। मीडियाटेक हीलियो G90T का प्रोसेसर मिल जाता है। 13MP का बैक कैमरा विद फ्लैश और 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। 11.2 इंच का 2K LCD डिस्प्ले मिल जाता है विद 400 nits ऑफ पीक ब्राइटनेस। यहाँ पर भी आपको क्वाड स्पीकर का सेटअप मिल जाता है विद डॉल्बी एटमोस सर्टिफिकेशन। यहाँ आपको स्टाइलस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। साथ ही 7700mAh की बैटरी मिलती है विद 20W इनबॉक्स चार्जर। तो जैसे कि मैंने बताया, ये टैबलेट उन लोगों के लिए है जिनको वाईफाई के साथ टैबलेट में सिम कार्ड का सपोर्ट भी चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप लेनोवो का एक प्रिसीजन पेन आता है 2.0, अगर आप वो खरीदते हैं तो उसके साथ आपको प्रेशर सेंसिटिव टिप मिलता है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इसको ड्रॉइंग के हिसाब से भी खरीदना चाहते हैं तो। बाकी परफॉर्मेंस वाइज भी ये टैबलेट आपको निराश नहीं करने वाला। नॉर्मल डे टू डे यूसेज के हिसाब से आप देख लीजिए, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। साथ ही यहाँ पर आपको रैम मैनेजमेंट भी काफी अच्छा मिल जाता है। नाउ बात करें इस टैबलेट के कॉन के बारे में, तो देखो बस एक ही कॉन है यहाँ पर, आउट ऑफ द बॉक्स ये एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, लेकिन इसमें अभी के टाइम में आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से भी थोड़ा सा पुराना लगता है टैबलेट के हिसाब से। आजकल नए टैबलेट्स में एंड्रॉइड 13 वगैरह चल रहा है, तो अगर आपको बहुत मैटर करता है तो बस यहाँ पर वही एक कॉन है। उसके अलावा अगर आपको एक बढ़िया लेवल का सिम कार्ड वाला टैबलेट चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में, तो ये टैबलेट जरूर से आप कंसिडर कर सकते हो। एंड नाउ गोइंग अप टू द नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट, ये है करीब 15 से 20-22 हज़ार रुपए के आसपास, और यहाँ पर सबसे बेस्ट टैबलेट हमें लगा वो है OnePlus का Pad Go। तो करीब 20-22 हज़ार रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, जिसमें 8GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। यहाँ आपको 11.35 इंच का 2.4K रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद 90Hz ऑफ रिफ्रेश रेट, और यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है 400 nits की। क्वाड स्पीकर सेटअप मिल जाता है विद डॉल्बी एटमोस सर्टिफिकेशन, और 8MP का बैक एंड फ्रंट कैमरा मिल जाता है। 8000mAh की बैटरी मिलती है विद 33W इनबॉक्स चार्जर। नाउ इस प्राइस में अगर आपको प्रीमियम दिखने वाला और प्रीमियम फील वाला टैबलेट चाहिए, तो ये टैबलेट को आप मिस नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आपको सिम कार्ड का ऑप्शन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा इस प्राइस सेगमेंट में। आप सिम लगाकर टैबलेट को इस्तेमाल करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज काफी पसंद आएगी। अगर आप OnePlus का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप OnePlus का इकोसिस्टम के थ्रू इसमें आप स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं अपने फोन का। साथ ही अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल शेयर करना है अपने फोन के साथ, तो आप वो भी कर पाएंगे इस टैबलेट में। तो अगर आप OnePlus का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके इकोसिस्टम का आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं इस टैबलेट में। नाउ बात करें कॉन के बारे में, तो इस टैबलेट में बस एक ही कॉन लगा मुझे, यहाँ पर आपको स्टाइलस का सपोर्ट एज सच कोई कंपनी का नहीं मिलता है। थर्ड पार्टी स्टाइलस पेन अगर आप लेते हैं कैपेसिटिव टाइप वाला, तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन वहां पर भी आपको पाम रिजेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है। बस यही एक कॉन है, उसके अलावा ये टैबलेट सर्वगुण संपन्न लगेगा आपको इस प्राइस के हिसाब से। एंड नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट में, वो है करीब 25 से 30 हज़ार रुपए के आसपास, और इस प्राइस में जो टैबलेट है वो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। ये है Xiaomi का
पैड 6 करीब 26,999 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पर आपको 11 इंच का 2.8K रेजोल्यूशन का 144 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले मिलता है जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 550 निट्स तक। साथ ही यहाँ पर आपको MEMC का सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्वार्ट्ज स्पीकर का सेटअप मिल जाता है विद डॉल्बी एटमोस सर्टिफिकेशन। USB 3.1 पोर्ट मिलता है विद 4K HDR 60fps आउटपुट। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 8840 mAh की बैटरी मिलती है विद 33W इनबॉक्स चार्जर। ये टैबलेट स्टाइलस सपोर्ट करता है विद जेस्चर्स एंड यहाँ पर आपको पाम रिजेक्शन भी मिल जाता है। अब इस टैबलेट को आप कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न आपको किफायती दाम में, करीब 25-26 हज़ार रुपए में आपको जो ये टैबलेट चीजें देता है लगभग फ्लैगशिप टैबलेट में जो आपको चीजें मिलती है कुछ वैसे ही। सबसे पहली चीज, आपको डिस्प्ले में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा। डिस्प्ले रेजोल्यूशन से लेके आपको जो रिफ्रेश रेट है वो काफी अच्छा मिल जाता है, इंक्लूडिंग यहाँ पर आपको MEMC का सपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी कि जो 30fps में वीडियोस चलते हैं यूट्यूब वगैरह में ये इसको अपस्केल करके दिखाता है आपको 60fps में। तो ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें हैं ना जो फ्लैगशिप वाले टैबलेट से मिलती हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इतना ही नहीं, इसके टाइप सी पोर्ट में आप HDMI वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करके आप बड़े से स्क्रीन में पूरे PC जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं इसके टैबलेट में। इसका जो स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर है वो ना सिर्फ आपको बढ़िया डे टू डे परफॉर्मेंस देता है, अगर आप हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम जैसे कि BGM वगैरह खेलना चाहते हैं तो आप उसको हायर सेटिंग में चला सकते हैं। Asphalt 9 वगैरह खेलेंगे तो आप देखो फैन हो जाएंगे इस टैबलेट में। तो ये टैबलेट जैसे कि मैंने बताया मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से भी अगर आप देखें, डिस्प्ले क्वालिटी देखें, ओवरऑल डिजाइन देखें, और अगर आप आर्टिस्ट वगैरह हैं आपको पेन से ड्राइंग वगैरह करनी है तो वो भी आप प्रिसाइज तरीके से इस टैबलेट पे कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप देखो ऑप्टिमाइजेशन शाओमी ने बहुत बढ़िया कर रखा है। अगर आपको शाओमी का ही फोन कनेक्ट करना है, अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना है, तो वो भी आप कर पाएंगे जैसे कि आप वन प्लस में कर सकते थे। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी फाइल शेयर करनी है अपने फोन के साथ तो आप वो भी कर पाएंगे बढ़िया तरीके से इस टैबलेट में। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इस टैबलेट में मिल जाते हैं। तो भाई शाओमी पैड 6 को मैं कहना चाहूंगा एक बेस्ट वैल्यू टैबलेट जो आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस और एक ओवरऑल टैबलेट में जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें पैक्ड देता है। एंड नाउ बात करते हैं अगर आपको इसी प्राइस सेगमेंट में आसपास आपको डिस्प्ले क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और एक बढ़िया मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस वाला टैबलेट चाहिए तो वो भी है इस लिस्ट में। यहाँ पर आपको लेनोवो का P12 मिल जाएगा जो आपको एक इसी प्राइस सेगमेंट में एक बढ़िया मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देता है। ओवरऑल ना सिर्फ मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, आपको ओवरऑल जो टैबलेट में चीजें चाहिए परफॉर्मेंस वाइज भी अगर आप देखें तो आपको ये टैबलेट काफी बढ़िया लगेगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पर आपको 12.7 इंच का बड़ा सा 3K डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पर आपको LTPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बेजल भी काफी पतले मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्वाड JBL के स्पीकर मिलते हैं विद डॉल्बी एटमोस सर्टिफिकेशन। 10,200 mAh की बैटरी मिलती है विद 20W ऑफ इनबॉक्स चार्जर। स्टाइलस का सपोर्ट भी चाहिए तो यहाँ पर आपको स्टाइलस के सपोर्ट के साथ पाम रिजेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। साथ ही यहाँ पर आपको बढ़िया ओवरऑल डे टू डे यूसेज के हिसाब से आप ले लीजिए तो आपको निराश नहीं करने वाला। कैजुअल गेम्स वगैरह खेलते हैं तो आप, यानी कि BGM वगैरह भी खेलेंगे तो आप लो टू मीडियम सेटिंग्स में चला सकते हैं इस टैबलेट में। लेकिन जो टैबलेट का साइज है वो काफी बड़ा है, बेजल आपको काफी पतले मिल जाते हैं तो आपको काफी इमर्सिव फील होगा अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं इस टैबलेट में। तो ना बात करें कॉन्स के बारे में तो यहाँ पर इस टैबलेट में आपको कॉन कुछ ही चीजें मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आपको 60Hz का डिस्प्ले मिलता है। आजकल सारे टैबलेट लगभग 90Hz मिनिमम डिस्प्ले दे ही रहे हैं तो आपको 60Hz से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मल्टीमीडिया के हिसाब से आपको 60Hz इनफ है। उसके अलावा इस टैबलेट में आपको चार्जिंग स्पीड जो है स्लाइटली थोड़ा स्लो लगेगा क्योंकि 20W का चार्जर 10,200 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आराम से 3 घंटे के आसपास ले ही लेगा। एंड नाउ बढ़ते हैं लिस्ट के प्रीमियम सेगमेंट में जो कि आता है करीब 30,000 रुपए के ऊपर ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहला टैबलेट है वो है वन प्लस की तरफ से वन प्लस पैड। अब ये टैबलेट जो है बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में मेरे हिसाब से नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर आपको फीचर्स काफी प्रीमियम वाले मिलते हैं। तो करीब 32,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा 8GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 चिपसेट मिल जाता है विद UFS 3.1 स्टोरेज। 11.61 इंच का 2.8K रेजोल्यूशन का 7:5 रेशो का 10-bit 144Hz का LCD डिस्प्ले मिल जाता है जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 500 निट्स तक। क्वाड स्पीकर सेटअप मिल जाता है विद डॉल्बी एटमोस सर्टिफिकेशन और यहाँ पर आपको 9,510 mAh की बैटरी मिलती है विद 67W इनबॉक्स चार्जर। नाउ इस टैबलेट को आप जैसे ही हाथ में पकड़ेंगे ना तो ये टैबलेट चीख चीख कर कहता है कि भाई मैं प्रीमियम हूं और ये दिखता भी है। यूनिबॉडी मेटालिक फ्रेम मिल जाएगा और काफी प्रीमियम ये लगता है। बेजल आपको पतले मिल जाते हैं, ऑल अराउंड आपको राउंडेड कॉर्नर्स भी मिल जाएंगे और ये टैबलेट जो है देखो अगर आप इसको पकड़ेंगे ना तो आपको एक बढ़िया नोटबुक वाला फील आएगा। ये बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जो 7:5 का रेशियो है डिस्प्ले का
वो आपको काफी कन्वीनियंट लगेगा जब आप रीडिंग वगैरह कर रहे हो तो स्पेशली। बाकी गेमिंग के हिसाब से भी ये टैबलेट आपको निराश नहीं करने वाला है। MediaTek Dimensity 9000 जो चिपसेट है वो आराम से हैवी गेम्स भी हाई सेटिंग में चला लेगा और तो उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड में तो ये काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप के हिसाब से भी निराश नहीं करने वाला, आराम से 2 दिन तक ये चल सकता है। नॉर्मल यूसेज के हिसाब से अगर आप हैवी यूसेज भी कर रहे हैं तो 1 दिन चल जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको टैबलेट में जितने भी टैबलेट आए हैं उन सब में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्पीड वाला अडैप्टर मिलता है बॉक्स के अंदर 67 वॉट्स का, जो कि सबसे फास्ट चार्ज करता है जितने भी मैंने टैबलेट बताए उनसे। बाकी उसके अलावा एक्सेसरी सपोर्ट आपको सारी मिल जाती है और OnePlus का जो इकोसिस्टम वाला सपोर्ट भी मिल जाएगा। और यहाँ पर इनका जो फोलियो कीबोर्ड आता है OnePlus का, उसमें आपको ट्रैक पैड भी मिल जाता है, तो ये भी ध्यान रखना अगर आपको एक टैबलेट में ट्रैक पैड वाला कीबोर्ड चाहिए तो उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड है, उसको आप खरीदते हैं तो एक आप काफ़ी अच्छे तरीके से एक लैपटॉप जैसा उसको फील ले सकते हैं। नॉर्मल एमएस ऑफिस वगैरह काम आप आराम से कर पाएंगे इस टैबलेट में। नाउ बात करें कॉन के बारे में, तो देखो कोई ऐसा मेजर कॉन नहीं है, बस एक ही चीज़ लगा मुझे, यहाँ पर आपको USB 2.0 ही मिलता है। 3.0 दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता, HDMI वगैरह कनेक्ट करना है या फिर और बाकी एक्सेसरीज करना है कनेक्ट, हैवी एक्सेसरीज, तो वो सब का ऑप्शन आपको USB 3.0 में मिल जाता है। लेकिन USB 2.0 से आपको काम चलाना पड़ेगा, नॉर्मल माउस वगैरह कनेक्ट करना है या फिर कोई SSD वगैरह सपोर्ट करना है यानी कनेक्ट करना है तो उसका सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड नाउ लिस्ट के फाइनल टैबलेट की तरफ बढ़ते हैं और ये है एप्पल की तरफ से एप्पल iPad 10th जनरेशन। तो 39,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा 4GB रैम विद 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज और ये वाईफाई ओनली वाला टैबलेट है। यहाँ पर आपको A14 बायोनिक चिप मिल जाएगा, 10.9 इंच का 500 निट्स का 1.5K डिस्प्ले मिल जाता है, 12 MP का बैक एंड फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। बाकी ऊपर की साइड में आपको टच आईडी बटन भी मिल जाता है। USB टाइप सी 3.0 पोर्ट मिल जाता है जिससे कि आप HDMI आउटपुट भी दे सकते हैं। 7,606 mAh की बैटरी मिलती है विद 20 वॉट्स ऑफ इनबॉक्स चार्जर। ये टैबलेट उनके लिए है जो बिल्कुल सेफ साइड चलना चाहते हैं और ऑलरेडी उनके पास एप्पल का इकोसिस्टम है, तो ये टैबलेट उनके लिए काफी बढ़िया रहेगा। करीब 35,000 से 40,000 रुपए के आसपास आपको ये मिल सकता है, अभी के टाइम में करीब 40,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वाईफाई का ही ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज ही मिलेगा। अगर आपको स्टोरेज बढ़ाना है तो देखो डेफिनेटली आपको प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर अगर आपको LTE वर्जन भी लेना है तो उससे भी आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप अपना बजट बढ़ा ही रहे हैं करीब 50,000 रुपए के आसपास, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप iPad Air M1 खरीद लीजिए, वहां पर आप सॉर्टेड रहेंगे, उस प्राइस के हिसाब से आपको काफी जबरदस्त चीजें मिल जाती है। खैर बात करें इस टैबलेट की यानी कि एप्पल iPad 10th जनरेशन की, तो यहाँ पर आपको देखो स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे, क्वाड स्पीकर तो नहीं मिलते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको एक्सेसरीज का सपोर्ट काफी अच्छा मिल जाता है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और उसका सपोर्ट काफी अच्छा मिल जाएगा, यानी कि एप्स काफी बढ़िया से काम करेंगी। और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप यही टैबलेट ले लें, यानी कि आंख बंद करके आप इस टैबलेट को ले सकते हैं और बजट आपका टाइट है करीब 35,000 से 40,000 रुपए के आसपास, तो ये टैबलेट डेफिनेटली आपको काफी बढ़िया वैल्यू देगा। बाकी आपको अगर आप गेमिंग वगैरह भी करनी है तो इसका जो A14 बायोनिक चिप है वो बढ़िया तरीके से चला लेता है, BGMI ले लीजिए या फिर Asphalt 9 ले लीजिए, सारे गेम्स हाई सेटिंग में चल जाएंगे। उसी के अलावा इस टैबलेट में आप USB टाइप सी से HDMI वगैरह कनेक्ट करके बिल्कुल बड़े से स्क्रीन में कास्ट कर सकते हैं, तो उसका भी ऑप्शन आपको इस टैबलेट में मिल जाता है, जो कि बढ़िया चीज है। एंड नाउ जाते जाते एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आपका बजट 50,000 से ऊपर का है, एंड्रॉइड का इकोसिस्टम चाहिए, तो आप सैमसंग का टैबलेट ले सकते हैं, सैमसंग S9 सीरीज का, और या फिर अगर आपको एप्पल का इकोसिस्टम चाहिए तो आप आग बंद करके कोई भी iPad का सीरीज खरीद सकते हैं। और यार गाइस, तो ये थे हमारे इस साल की टॉप टैबलेट की लिस्ट, और उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।